मेरठ एक क्राइम सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। हर रोज एक नया क्राइम सामने नजर आ जाता है। इसी के चलते इंदिरापुरम कॉलोनी से 23 अप्रैल को एक मासूम बच्चा लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन आज अचानक उसका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परतापुर थाना क्षेत्र में 23 तारीख को एक 5-6 वर्षीय बच्चे विवेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी शाम को। आज उसकी डेड बॉडी मिली है और इसमें हमारी फोरेंसिक टीम वहाँ पहुँची हुई है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। घटना का अनावरण शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है साक्ष्य एकत्रित करके। इसमें चूंकि ये घटना बहुत ही निर्मम प्रकार की है, बच्चे के साथ घटना कारी दी गई है, तो इसमें कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में जरूर की जाएगी। सर, क्या नरबली का मामला आ रहा है? अभी इस तरह का तथ्य कुछ नहीं आया है। साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है। इस समय हमारी फोरेंसिक टीम वही मौके पर है। जो बच्चे की डेड बॉडी मिली है, पूरा मामला क्या है? अब ये लड़का ले गया था घुमाने के चक्कर में उधर चौक पे, और फिर उसके बाद में जब बूझा तो बोला कि हमें पता ही नहीं कहाँ छोड़ दिया इसने। ये बच्चा कितने दिन से गायब था? 4 दिन हो गए आज। ये तो आपको कैसे पता चला? जब ये हमारा पैर वहाँ पे मिला तब कुछ लोगों ने बताया, तब हम वहाँ से ढूंढ के आ रहे थे इसको, तो हमें पैर दिखाई दिया तब हमने पहचाना। आपका नाम? प्रमोद है। बच्चे का? विवेक है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम कन्नौज जिला।